अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ताहिर फ्रॉम अमेरिकन और यू पाकिस्तान। और जी दोस्तों, अब आज एक नई चीज़ लेकर आए आप सबके सामने। ये है लेजेंड का अंडर लिवर राइफल। ये बहुत ख़ास चीज़ है, बहुत लिमिटेड है, और समझ लो ये पाकिस्तान में मिलता ही नहीं है। हमने बहुत उससे मंगाया, बहुत मुश्किलों से। आप लोगों के सामने अभी इसकी रिव्यू करते हैं और बताते हैं इसमें क्या क्या ख़ास चीज़ें। सबसे पहले आते हैं इस पर, इसके डब्बे में इसमें क्या क्या है। तो ये काउबॉय की राइफल है, इसमें और कुछ ख़ास होता नहीं है। इसके जो ये 10 शेल है इसमें स्टील का चरा लगता है और फायर होता है। साथ में ये आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत राइफल है। ये मैनुअल सेफ्टी है इसमें। ये इसका अंडर लीवर है, लीवर एक्शन। इधर जो इसका शेल डलता है वो जब हम चलाने के टाइम पे आपको दिखाएंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह है। साथ में ये मैनुअल कैटलॉग दिया हुआ है, पूरा इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। बाकी जिसके जो मेन फंक्शन है उसके डब्बे के पीछे लिखा हुआ है, जो जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो सब ये लिखा हुआ है, मैं खुद बता देता हूँ। इसके कैलिबर जो है 4.5 में 1.77 के स्टील का चरा डलता है। इसमें स्टील बीबी है, इसमें 10 शेल जो है वो एक साथ आते हैं। 12 ग्राम के इसमें 2 सीडो सिलेंडर लगते हैं, एक उल्टा करके एक सीधा करके, वो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह लगता है। वेलोसिटी जो इसकी है तकरीबन 550 इसके FPS है। फ्रंट साइड जो है वो फिक्स है, रेल साइड जो है वो एडजस्टेबल है, आप एडजस्ट भी कर सकते हो। सिंगल एक्शन है, ये ट्रिगर जो इसका सिंगल एक्शन है। सेफ्टी जो है वो मैनुअल है, स्मूथ बैरल है, और इसकी लेंथ जो है तकरीबन 466 mm है, और इसका वेट जो है तकरीबन 2.5 किलो इसका वेट है। अब आते हैं राइफल के बारे में। इसका जो CO2 सिलेंडर है वो इधर लगेगा, सबसे पहले ये खुलेगा, ये खुल गया, इसके बाद ये इसको निकालना है। एक सिलेंडर जो इस तरह डलेगा, दूसरा जो है उल्टा करके यूँ करके, उसके बाद ये लगेगा। और फिर इसके बाद इसको टाइट करना है इससे। ये पंचर हो गया, आवाज़ आया तो ये पंचर हो गया। इसको दोबारा लगा देते इधर ही, इसको बंद कर देते। ये जो है 2 सिलेंडर से तकरीबन 60 से 70 चरे आराम से चलाएगी। ये अब देख लिया, अभी इसमें चरे डालने का तरीका है वो भी बता देता हूँ किस तरह डालता है। ये इसका स्टील का चरा है, इसका चरा जो है इधर डलेगा। तो ये 10 चर्रे इसमें लोड हो गए। अब इसमें चर्रे ये शेल लगेंगे किस तरह, इस तरह लगेंगे बहुत आसानी से, जैसे ओरिजिनल राइफल में लगते हैं। ये 10 के 10 शेल लोड हो गए, अभी ये फायर के लिए तैयार है। चलते हैं इसको फायर करते, दिखाते किस तरह चलता है।
जी दोस्तों, जैसे आपने इनकी शूटिंग देखी, शूटिंग बड़ी बेहतरीन थी और इसका चलाने का मज़ा जो है वो बिल्कुल अलग है सब एयरगनों से। वो इसकी असल वजह इसमें शेल लगे हुए हैं। और इसकी दूसरी ख़ास बात जो है बताना भूल गया था, ये पुल जो है पूरा मेटल का है और ये स्टील क्रोम कलर है। इसमें पुल मेटल का बना हुआ है और ये भी बिल्कुल लिमिटेड है, हमारी वेबसाइट पे इस टाइम पे मौजूद है। इसकी कीमत जो इस टाइम पे 80,000 रुपये। प्राइसेस जो है वो चेंज हो सकती है आगे पीछे, ये बिल्कुल लिमिटेड है। अगर आप किसी दोस्त को भी चाहिए तो हमारे नंबर मौजूद है दोनों, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हो, हमारी वेबसाइट भी, आप उस पर भी ऑर्डर कर सकते हो। हमारी वेबसाइट जो है वो scopesandbarrels.com है। बाकी आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।